व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है। आज के टाइम में हर किसी फोन में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन व्हाट्सएप जरूर मिलेगा। आज के टाइम में हम अपने पूरे दिन के घटना चक्र में अपने साथ हर दूसरे मिनट व्हाट्सएप को देखते हैं। अब सुबह उठने के बाद भी पहला जो काम होता है वो होता है व्हाट्सएप चेक करना। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। व्हाट्सएप पे चैट करते टाइम कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई मैसेज गलती से हमसे टाइप हो जाता है और हम उसे सेंड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमें रियलाइज होता है कि हमने कुछ गलत सेंड कर दिया, हम उसे तुरंत ही डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद सामने वाले के पास केवल ये मैसेज आता है, दिस मैसेज वाज डिलीट। देखो अब जान लेते हैं थोड़ी सच्चाई। देखो आज के टाइम में कोई भी मैसेज गलती से कम ही जाते हैं, लेकिन वीएफओ या जेब से चैट करते टाइम कई बार हम कोई ऐसी बात जो सामने वाले बंदे से या पर्सन से कहना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट कह नहीं पाते, और ऐसे में कई मैसेज भेज कर तुरंत ही डिलीट कर देते हैं। पता नहीं क्यों, पर शायद ऐसा होता है। वैसे मैं तो किसी बात करता नहीं, पर मैंने केवल सुना। अब अगर तुम भी अपनी क्रश या जेब के साथ ऐसा मैसेज करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो कोई मैसेज तुम्हें लिखे और डिलीट कर दे तो पता चलता है यार आखिर क्या लिखा होगा। उस समय ये जानने की बेचैनी जो होती होगी वो शायद ही कहीं और होती होगी। अब आपके पास किसी ने मैसेज भेज कर डिलीट कर दिया, और ख़ास तौर पर आपकी जेब ने या क्रश ने, और आप जानना चाहते हो कि आखिर मैसेज में क्या लिखा होगा, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे किसी के भी डिलीटेड मैसेज को देखा जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप है जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है व्हाट्स रिमूव प्लस। अब इस ऐप में उस नंबर के साथ में रजिस्टर कर लीजिए जिससे व्हाट्सएप रजिस्टर है। अब आपको लाइव दिखाते हैं ये कैसे काम कर। तो देखिए मेरे फ़ोन में पहले से ही दो व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं, तो मैं एक से मैसेज करूंगा दूसरे में मैसेज सेंड करता हूं। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने एक मैसेज जो कि इसमें भेजा था उसको डिलीट कर दिया है। अब दूसरे व्हाट्सएप में जो कि डिलीटेड मैसेज शो नहीं होगा, लेकिन अब आप अगर व्हाट्स रिमूव ऐप में जाकर देखोगे तो वहाँ पर वो डिलीट मैसेज जो मैंने दूसरे वाले व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया है वो यहाँ पर शो होगा, यानी कि कोई भी मैसेज जो कि डिलीट कर दिया है वो यहाँ पर पूरी तरह से शो होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना अगर जानकारी अच्छी लगी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।